सो वेलकम बैक गाइज YouTube चैनल शर्मा क्रिएशन। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने Vivo Y12 मोबाइल फ़ोन के अंदर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को सेट कर सकते हो। जी हाँ गाइज, आप लोग भी अपने Vivo Y12 मोबाइल फ़ोन के अंदर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक स्क्रीन को सेट कर सकते हो। तो आप लोग करना क्या होगा, सिंपली वीडियो को लास्ट तक देखते जाइएगा। जो जो स्टेप मैं आपको बताऊँ, बस वही स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हो, जो मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वो वीवो की कंपनी का मोबाइल फ़ोन है। और यहाँ पर चलिए आप लोगों को करना है क्या, सबसे पहले तो अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप लोगों को सिस्टम अपडेट के ऊपर क्लिक कर लेना। सिस्टम अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को चेक करना है कि आपका मोबाइल फ़ोन लेटेस्ट वर्जन में अपडेट है या नहीं है। तो गाइस, यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि इस वीडियो के अंदर कोई क्लिकबेट नहीं है। आप लोग रियल में 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट को सेट करोगे, वो भी डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक स्क्रीन के साथ। तो बस वीडियो को देखते रहिएगा। तो यहाँ पर चलिए नीचे स्क्रॉल कीजिए। सेकंड आपको क्या करना, फर्स्ट तो आपको सिस्टम अपडेट चेक कर लेना है एंड सेकंड आपको मोर सेटिंग के अंदर चले जाना है। मोर सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। तो यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे की तरफ एक्सेसिबिलिटी वाली सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। एक्सेसिबिलिटी वाली सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये देख रहे हो आप लोग स्क्रीन लॉक मास्टर, तो इस वाली सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए एंड इसे इनेबल कर लीजिए। इनेबल करने के बाद यहाँ पर ओके कर दीजिए। एंड गाइज, यहाँ पर आप लोगों को आपकी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स के अंदर ये वाली सेटिंग नहीं मिलेगी। तो गाइज, आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो मैं स्टेप आपको बताऊँ बस वही स्टेप फॉलो कीजिए। आप लोग भी अपने Vivo Y12 मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है फिंगरप्रिंट डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक स्क्रीन लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, सेटिंग को इनेबल करने के बाद सेकेंड प्रोसेस क्या है, आपको यहाँ पर सबसे पहले तो छोटा सा प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि किस टाइप से आप लोग जो है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को सेट करोगे। तो चलिए सबसे पहले प्रीव्यू देख लीजिए। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। और गाइज, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, ये 100% सिक्योर है और ये वर्क करती है। तो सिंपली प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो Access denied. जो सिक्योरिटी गाइज वो एकदम 100% सिक्योर होती है। तो यहाँ पर देखिए, आप जितनी बार भी ट्राई करो आपका लॉक ओपन नहीं होगा। Access denied. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक्सेस डिनाइड बोल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग इसको ओपन कैसे करते हो, यहाँ पर गाइज कैसे कर सकते हो आपको ट्रिक बताता हूँ। ऊपर की साइड आप लोग देख सकते हो जो लॉक का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, इस पर एक बार टैप कीजिए और फिर जो आप लोग अपने सेंसर के ऊपर अपनी उंगली को प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो प्रीव्यू कुछ इस टाइप से हो। तो गाइज, ये जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन है, सिक्योर एप्लीकेशन है, 100% आपके मोबाइल फ़ोन पे वर्क करेगी। एंड इस एप्लीकेशन का नेम आप लोग देख सकते हो फिंगरप्रिंट लॉक स्क्रीन के नेम से है और ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं मिलेगी। ये जो एप्लीकेशन आपको क्रोम ब्राउजर में जाके डाउनलोड कर लेनी है। एंड गाइज, आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आप सभी को वीडियो। और अगर आप लोग ऐसी वीडियोस देखने में इंटरेस्ट रखते हो या वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू गाइज़।